टेक्नीशियन, यूपी आर्मल, डीआरडीओ सभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों को रात 9 बजे लाइव क्लासेस, दिन में जो है आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस रहती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे फाइल्स जो होता है, जिसे हम लोग रेती कहते हैं, इसको हम लोग थ्योरी के रूप में समझेंगे। और इसके पहले मैंने जो है ड्रिलिंग मशीन का जो है थ्योरी क्लासेस लिया था, माइक्रोमीटर का थ्योरी क्लासेस लिया था, वर्नियर कैलिपर का मैंने थ्योरी क्लासेस लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं ये सारी क्लासेस, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने जो है फीटर करके जो है बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। आप फीटर में जो भी टूल्स, जो भी आपके आवश्यक उपकरण होते हैं, जो भी थ्योरी क्लासेस आपको चाहिए, सारी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आज हम लोग यहाँ पर फाइल्स के बारे में समझेंगे, फाइल्स होती क्या हैं, रेती होता क्या है, इसका काम क्या होता है, सारा कुछ हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो फाइल्स में या रेती में जो भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, या फिर हो सकता है आप ना जानते होंगे, यहाँ पे मैं सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके सामने मैंने फिगर्स बनाया हुआ है फाइल्स के बारे में, एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और डीपली रूप से समझेंगे, जिससे कि एग्जाम में जब बैठें तो फाइल्स के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप जो है क्लियर कर सकें। बाकी आप लोगों को यहाँ पे क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है फाइल होता क्या है। फाइल्स का जो मेन रीजन होता है फ्रेंड, वो हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर किसी ऐसे पार्ट्स को जो है फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जहाँ पे मशीन द्वारा कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बहुत कम मात्रा में जो है क्या करता है, फिनिशिंग करता है, मतलब पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं करता है, लेकिन ये जो है आप कह सकते हैं कि ये हमारे पार्ट को जो है फिनिश कर देता है। और ये हल्की कटिंग के लिए भी जानी जाती है, यह एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल भी माना जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो फाइल के बारे में जो है, फाइल फाइल या फिर जो है रेती, ठीक है, रेती भी आप कह सकते हैं, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसे हम लोग HCS भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि हाई कार्बन स्टील का क्यों बनाया गया है, यह भी मैं बताऊंगा, ठीक है, होता है। और इसका कार्य किसी जॉब को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में कटिंग करने व फिनिश करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यह आप लोगों को ध्यान देना है कि यह हमारी जो फाइल होती है, यह क्या काम करती है, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसका कार्य हम लोग किसी जॉब के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में मतलब क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और
यह जो है जॉब को क्या करता है, फिनिश भी करता है, मतलब कटिंग के साथ साथ फिनिश भी करता है। ठीक है, ये हमारी जो फाइल होती है, अगर हम लोग बात करें कि ये जो फाइल होती है बहुत तेज़ी से काम करती है या फिर जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल्स जो है क्या करता है, साफ़ करता है, रिमूव करता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये फिनिशिंग के लिए ज़्यादातर जानी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। यह हैंड कटिंग टूल होता है, हैंड कटिंग टूल्स होता है। ठीक है, यह क्या है, यह एक हैंड कटिंग टूल्स होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यह क्या होता है, मशीनों को द्वारा नहीं चलता। बाकी मैं एक एक पार्ट्स को अभी आप लोगों के सामने बताऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यह एक हैंड कटिंग टूल्स होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अलाउंस की बात करें, ठीक है, अलाउंस फाइल में अलाउंस कितना होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फाइल में अलाउंस जो होता है 0.02 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर तक होता है, 5 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, फाइल में जो अलाउंस होता है वो 0.2 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक अलाउंस होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह टैंग को छोड़कर बाकी सभी पार्ट को हार्ड एव टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है, यह हम अगर बात करें कि यह जो है हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, तो टैंग को छोड़कर, टैंग हमारा एक पार्ट होता है। ठीक है, टैंग को छोड़कर बाकी सभी पार्ट को हम क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। थोड़ा सा देख लें, आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है टैंग को छोड़कर बाकी सभी पार्ट को हम क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं फ्रेंड, ये भी ज़रूरी होता है। तो इसे हम लोग हार्ड एवं टेम्पर टैंग को इसलिए छोड़ते हैं कि जब भी हम लोग हैंडल को फिट करें तो जो हमारा टैंग होता है वो मुलायम रहे, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहे और वो मुड़े ना। जब ये मुलायम रहेगा तो ये हैंडल अपने आप आसानी से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पर इसके एक एक पार्ट्स को जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा जो दिया गया है ये क्या होता है, ये हमारा जो है हैंडल है। ठीक है, हैंडल, ठीक है, ये हमारा हैंडल होता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये हमारा क्या होता है, ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एज होता है। ठीक है, ये आपको मालूम हो जाए, यहां पर टैंग होता है, ये हमारा टैंग होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हमारा जो दिया गया है ये क्या होता है, ये हमारा हील होता है। ठीक है, और ये हमारा जो पार्ट दिया गया है ये हमारा फेस होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए, टैंग, हील, एज मतलब किनारा होता है, ये बीच का जो पार्ट होता है हमारा फेस होता है, और ये हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इन लोगों का जो है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे रीजन निकल के आ रहा है इन सभी पार्टों का। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे जो है एक रिंग बनी होती है, हो सकता है आपको जानकारी ना हो, ये हमारी एक रिंग होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे। ये रिंग जो बना होता है इसका काम क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, और हैंडल जो होता है किसका बना होता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड मैं यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन आपको करूँगा। तो देखिए ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग फेरुल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फेरुल होता है, ठीक है। फेरुल, फेरुल मतलब क्या होता है, ये हमारा जो है एक रिंग होता है, किसका बना होता है, वह हमारा जो बना होता है वह लोहे की होता है, या मतलब आप कह सकते हैं कि यह एक जो है मतलब हमारा लोहा का पार्ट होता है जो रिंग की तरह होता है, और इसको जब हम लोग यहाँ पे हैंडल पे फिट करते हैं, टैंग हैंडल के द्वारा टैंग पे फिट करते हैं, तो ये लोहा का जो छल्ला होता है ये इसको जो है जब आगे हम लोग लगा के इसको जब कसते हैं तो इसको मजबूती से पकड़ लेता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो हैंडल हमारा किसका बना होता है, हैंडल, ठीक है। तो हैंडल जो होता है ये किसका बना होता है, लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। हैंडल जो होता है किसका बना होता है, लकड़ी का, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लकड़ी देखिए क्यों हम लोग बनाते हैं ये भी आप लोगों को जरूरी है। अब अगर आप कहिए कि ये लोहे का बन जाए या फिर आयरन का बन जाए तो ये ऐसा नहीं होगा, और इसमें जो टैंग होता है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है इसे लकड़ी के बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके हम लोग अगर बात करें कि हमारी जो लंबाई होती है, फाइल को स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाई कैसे आप करेंगे, तो हम लोग फाइल के द्वारा जो है यहाँ पे जो है अगर देखें तो हमारी जो फाइल होती है वो ऐसे यहाँ पे मापी जाती है, ठीक है। पॉइंट से लेकर हील तक हमारी क्या होती है, फाइल को मापा जाता है, ठीक है। पॉइंट से लेकर हील तक हम लोग क्या करते हैं, फाइल को मापते हैं। एज मतलब क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है। एज मतलब किनारा होता है। बाकी इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से हम लोग हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, तो देखिए ये हील हमारा जो होता है यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ से पॉइंट तक, यहाँ से लेकर पॉइंट तक के जो हमारे पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं फाइल के, ठीक है। ये हील और पॉइंट यहाँ से लेकर इसके पूरे पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। ये हमारा टैंग होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा जो टैंग होता है इसी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसे हम लोग हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते। और क्यों नहीं करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे हमें हैंडल को फिट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट होता है थोड़ा सा मुलायम रहेगा तो आगे जो है काम करेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम लोग जो है फाइल को हार्ड एंड टेम्पर क्यों करते हैं, ये भी जरूरी होता है। तो देखिए फाइल को हम लोग हार्ड एंड टेम्पर इसलिए करते हैं कि हमारी जो फाइल हो, अगर हम लोग हार्ड एंड टेम्पर नहीं करेंगे तो जिस भी पदार्थ को रिमूव करेगा, काटेगा, वो पदार्थ क्या होगा, वो रिमूव नहीं होगा अगर हम लोग हार्ड एंड टेम्पर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग इसे हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। तो जब हम लोग इसे हार्ड एंड टेम्पर करेंगे, इसके जो भी हमारे फेस होते हैं, जो भी दांते होते हैं, तो जब इसे हम लोग जो हार्ड एंड टेम्पर करेंगे तो वो उस पार्ट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा, ठीक है, जिस पर हम लोग कटिंग करते हैं। अगर हम लोग इसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं करेंगे तो जब हम लोग रिमूव, जब हम लोग किसी पार्ट पर फिनिशिंग के लिए जाएंगे या कटिंग करेंगे तो ये हमारा पार्ट ही अचानक मतलब जो है वहाँ से कटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमारा पार्ट कटिंग नहीं करेगा और हमारा जो ये पार्ट होता है, मतलब ये हमारी फाइल होती है, ये फाइल ही हमारी क्या होंगी, फिनिश नहीं होंगी, मतलब हमारी फाइल ही जो है कटिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे फाइल ही खराब हो जाएगी। इस वजह से हम लोग इसके फाइल को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग फाइल पे फाइल से कटिंग करते हैं, जॉब जो है फिनिशिंग करते हैं, तो उसमें जो है दांतों में क्या होता है, मतलब इसके फाइल के जो दांते होते हैं उस दांतों में क्या होता है, छोटे छोटे कण या चिप्स जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो जो फाइल के कण जो होते हैं, मतलब जो हमारे मटेरियल जो होते हैं, जैसे हमारे जो धातु के जो कण होते हैं, वो इस पार्ट में अगर जैसे आप लोग देखते होंगे ना, यहाँ पे छोटे 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 ऐसे ऐसे करके जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है ये फाइल के अंदर जो है फंस जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं इसके अंदर, तो इसको आप लोग कैसे साफ करोगे, फाइल के अंदर जो रहते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये कैसे साफ किए जाएंगे, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए इनको साफ करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा एक क्या आता है, फाइल कार्ड, ठीक है, फाइल कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, फाइल कार्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके जो भी मतलब दांतों में क्या होते हैं, छोटे छोटे मटेरियल्स या चिप्स जो फंस जाते हैं,
उनको साफ करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। और ये फाइल कार्ड किसका बना होता है, यह जो है तार का बना होता है, तार का, युवा फिर आप कह सकते हैं, यह एक प्रकार का क्या होता है, ब्रश होता है, ठीक है, ब्रश होता है, यह एक प्रकार का ब्रश भी होता है और ये तार का ब्रश बना होता है। उसके बाद हम लोग जो है फाइल से जो है फाइल पे क्या करते हैं, उस तार को ऐसे जो है मतलब ब्रश को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारा जो पार्ट ये मतलब चिप्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं, ठीक है, थीके? ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जैसे हमारे फाइल्स में अगर हम लोग देखें कि हमारे फाइल्स में जो है कटिंग करते समय जो है क्या हो रहा, हमारी फाइल स्लिप खा रही है, मतलब हम जब किसी पार्ट पे क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं फाइल के द्वारा, रेती के द्वारा, तो हमारी जो रेती है वो क्या कर रही है, जॉब पे फिनिश हो रही है, मतलब सॉरी स्लिप खा रही है और मतलब वो हमारा जॉब को कटिंग नहीं कर रहा, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस अवस्था में हम क्या करेंगे, जब हम लोग फाइल पे कटे हैं, फाइल से जॉब पे कटिंग करते हैं तो हमारी जो फाइल होती है वो क्या होती है, स्लिप खाती है, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, फाइल पे हमें क्या करना चाहिए, चाक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, चाक, चौक जो होता है आपको वर्कशॉप में जनरली रूप से मिल जाएगा, वर्कशॉप में आपको चौक बहुत देखने को मिलेगा, तो चाक का प्रयोग हम लोग जब हम लोग फाइल पे प्रयोग करेंगे तो हमारा जो भी स्लिप होता है, जो भी आप फाइल का प्रयोग करते समय जो आपको स्लिप का मतलब जो है सामना करना पड़ता है तो वो हमारी स्लिपिंग जो होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, एक टाइप से आप कर सकते हैं कि वो जो है फिर आगे फिर आप काम कर सकते हैं, ये चाक के द्वारा ये काम हो गया। उसके बाद वर्कशॉप में आप क्या करते हैं, वर्कशॉप में आप कार्य करते समय, ठीक है, वर्कशॉप में क्या करते हैं, आप कार्य करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जॉब जो है जब आप लोग वॉइस में क्या होता है कि बांधते हैं, ठीक है, वॉइस में, वॉइस में क्या करते हैं आप लोग जब बांधते हैं, वॉइस मतलब वाक भी आप कह सकते हैं, वाक को, वाक में जब आप लोग जॉब को बांधते हैं तो वहां पे क्या होता है, फाइल के द्वारा जब कार्य करते हैं जॉब पे तो जॉब पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, मतलब चैटरिंग की आवाज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो जो हमारी चैटरिंग की आवाज़ आती है, चिर चिर आवाज़ करती होगी, तो वहाँ पे उस अवस्था में आपको क्या करना है, थोड़ा देखो मैं प्रैक्टिकली भी आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग अभी अगर नए होंगे, फ्रेशर होंगे, जैसे कि आप लोग ITI में गए होंगे एडमिशन के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो है आपको जो आपका जॉब होता है, जैसे हमारी जो वॉइस होती है वो क्या होता है ऊपर ऐसे बंधा रहता है, तब आप उसके ऊपर जब फिनिशिंग करते हैं ऐसे ऐसे करके तो हमारा जो जॉब होता है वो आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा, चिड़ चिड़ की आवाज़ करता है, ठीक, तो उस अवस्था में जो है आपको क्या करना पड़ता है, उस अवस्था में आपको जॉब को क्या करना होता है और नीचे बांधना पड़ता है, तो जॉब को आप लोग क्या किया करिए कि आप लोग जो है पूरी तरह से ऊपर मत बांधा करिए, बीच में बांध के तब आप लोग उस पर फाइलिंग करिए, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है आपको फिर नीचे करने से आवाज़ जो होती है वो बंद हो जाती है जो आपकी चैटरिंग करती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइल के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, और फाइल का जो अलाउंस होता है 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर होता है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर तक होता है फाइल का अलाउंस, ठीक है, बाकी फाइल हमारी जो होती है यह एक प्रकार की हैंड कटिंग टूल्स होती है, फाइल के जो है टैंग को छोड़कर बाकी सभी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, फाइल का जो है दूसरा नाम रेती होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और हाई कार्बन स्टील का क्यों बनाया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो देखिए हाई कार्बन स्टील का इसलिए बनाते हैं कि यह जो हमारा मटेरियल होता है धातु होता है या थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर इसके जगह पर हम लोग MS का प्रयोग करेंगे, माइल्ड स्टील का प्रयोग करेंगे, तो ये कटिंग नहीं कर पाएगा और इसके जितने भी दांते होंगे वो सारे मुड़ जाएंगे और हट जाएंगे, ठीक है, ये सारे आप लोग को ध्यान देना है। और ये हमारी फाइल है, फाइल का थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, बाकी टाइप्स ऑफ फाइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार, ठीक है, तो ये सारे हम लोग जो है यहाँ पे आगे देखेंगे, बाकी यहाँ पे फाइल का जो मेन रीजन होता है वो मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है एक एक चीज़ों को, ठीक है, अगर आप लोग जो है अच्छे से डीपली फाइल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है नीचे दिया गया है उसको आप लोग जो है
डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाइए फीटर का कोर्स आप लोग ज्वाइन करिए, एएलपी का या फिर फीटर फुल कोर्स आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको एक एक चीज़ों को बताया जाएगा कि फाइल का क्या काम होता है, फाइल का जो शेप होता है, आकार होता है, ठीक है, वो सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। वर्क जो होता है वो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट के रूप में समझा दिया है। आप लोग जाइए फुल कोर्स ज्वाइन करिए। बाकी जो है आज की क्लास कैसी लगी आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से ही आगे मैं मोटिवेट होता हूं और अच्छे से आप लोगों के सामने क्लास लेके आने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और आगे आप लोग क्या ऐसी क्लास चाहते हैं, तो मैं डेली कंटिन्यू करता रहूं। बाकी आप लोग जो है अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे यहाँ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट समझाने का मैं प्रयास करूँगा, कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटा तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं वही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में जो है यहाँ फाइल में जो मैंने बताया वही सारे पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं। इसके पहले मैंने बहुत से एग्जाम्स को मैंने दिया है और मैंने देखा है और मैं आप लोगों को प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।